Hello people, mera home sweet home where I have all the artifacts which I love. अब आप सोचोगे कि घर के बाहर मैं क्या करूँ. मेरा एक niche corner जो मुझे बेहद पसंद है, ये शोकेस है मेरी grandmother के grandmother का. अब आप सोचोगे कि घर के बाहर मैं क्या करूं? भाई घर के बाहर मैं इसलिए हूं क्योंकि आज का ब्लॉग मैं आपको मेरा होम टूर कराने वाली हूं. मेरा होम स्वीट होम, छोटा सा प्यारा सा मेरा घर. तो आइए आइए, कम इन, वेलकम. सो नाउ दिस इज माय little living room, my sweet little living room where I have all the artifacts which I love, like my candles, my curios, mera sitting arrangement, mere indoor plants, meri achhi achhi lighting, mera comfortable couch, mera ek niche corner jo mujhe behad pasand hai with all the curios that I've loved. I love my laughing Buddha, I love the three wise men and my angels. And ye corner hai jahan main peacefully shoot bhi kar sakti hu, mere plants hai. Ye meri ek table hai jahan main aur bhi sari cheeze rakhti hu. You can see this table also with little curios. This is something which is almost 200 years old, guys. Yes, believe you me, ye 200 साल पुराना कैबिनेट है. ये शोकेस है मेरी ग्रैंडमदर के ग्रैंडमदर का. ये मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे गिफ्ट किया था. आई हैव लव्ड दिस पीस और मैंने बहुत सारी चीजें इसमें, मेरे फोटोज, बहुत सारे क्यूरियोज और छोटी मोटी ट्रॉफीज, ये एक अच्छा सा शोकेस कर दिया है मैंने. एंड मेरे ग्रैंड मॉम की याद में ये हमेशा मेरे पास रहेगा. Well, this is something that I've got from a brand called Wall Mantra, and it's a lovely painting of 7 galloping horses, as you can see, जो बहुत ज़्यादा lucky कहलाया जाता है. And जैसे आप देख रहे हो, मैंने जैसे कहा कि मुझे plants का बेहद शौक है, so मेरे पूरे घर में आप काफी सारे plants और छोटी छोटी ऐसे curios देखोगे, special lights, candles. Some fancy lamp, like you can see that, a very fancy lamp. This is a special piece from London. ये हमारे prophet है ज़रतुष्ट्र, उनका ये frame बना हुआ है. ये मेरी मम्मी ईरान गई थी, तो ईरान से मम्मी ने ये लॉर्ड ज़रतुष्ट्र का carpet लिया था. एंड ये मैंने ऐसे फ्रेम कर दिया है. एंड इट्स लवली. और बहुत सारे पारसी हाउस होल्ड में आप ऐसे फ्रेम्स जरूर देखोगे. सो दैट्स इट, दैट्स वेयर वी ईट, दैट्स वेयर वी वर्क. दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉर्नर दैट आई रियली लव. यहाँ बस बैठ के शाम की कॉफी पीती हूँ आराम से. मैं और पर्सी यहाँ दोनों बैठ जाते हैं, म्यूजिक सुनते रहते हैं, एक दूसरे से बात करना, दिन की शुरुआत करना, यहाँ दिन को खत्म करना, खाना वाना खा के या तो यहाँ कॉफी चाय पीते हैं. सुबह की चाय यहाँ होती है, पेपर्स, चाय, बातचीत. So this is one corner that we really love. जब बहुत सारे लोग आते हैं, जब फ्रेंड्स होते हैं, तो obviously थोड़ा सा सेटअप यहाँ का बदल जाता है. थोड़ा सा स्पेशियस कर देती हूँ, काफी चीजों को अंदर रख देती हूँ कि हॉल एकदम एम्प्टी हो जाए. डिपेंडिंग ऑन कैसे कौन लोग आ रहा है, इफ इट्स अ पार्टी पार्टी एंड वी नीड टू डांस, वी नीड दैट मच स्पेस. So, वैसे स्पेस हो ही जाता है. चलिए आइए अंदर के रूम दिखाती हूँ आपको. आइए आइए, मैं आपको मेरा छोटा सा टीवी रूम, लीजर रूम जिसको बोलती हूँ, आइए वो देखते हैं. यहाँ भी एक अच्छा सा कोजी सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है मैंने, विच इज अ सोफा कम बेड. कभी कोई गेस्ट आ जाता है, वैसे हालांकि कोई इतने गेस्ट आते नहीं है, बट कभी कोई आ जाता है तो सोफा बेड बन जाता है और ये एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है. यहाँ छोटा सा एक प्रेयर कॉर्नर भी है हमारा, जहाँ मैं हमारे सारे ये एंजल्स को याद करती हूँ. मेरे पापा है, पर्सी के डैड
ऑल द पीपल, ऑल आवर लव्ड वंस जो हमारे साथ आज नहीं है लेकिन दे आर लुकिंग ओवर अस, दे आर गाइडिंग अस, दे आर अ गाइडिंग लाइट एंड हमारे एंजल्स है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा इनको याद किया जाता है रोज, तो उनके लिए एक सेपरेट स्पेशल टेबल है, कॉर्नर है। ये एक एक्सक्लूसिव साईं बाबा की फोटोग्राफ है जो बोला गया है कि नेचुरल है, ही इज द ओरिजिनल साईं बाबा। ये फोटो मुझे बहुत साल पहले एक दोस्त ने दी थी एज अ गिफ्ट, बिकॉज आई रियली बिलीव इन साई बाबा, एंड ये मैंने फ्रेम करके यहाँ रख दी है। दिस इज पर्सीज वार्डरोब एंड ही स्टिल फील्स दैट इट्स लेस, बहुत कम है उसकी स्पेस। आइए हमारे मास्टर बेडरूम में चलते हैं, आइए कम। दिस इज आवर मास्टर बेडरूम, इट्स प्रीटी कोजी। लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, आई लव माय क्यूरियोस एंड लिटिल लिटिल आर्टिफैक्ट्स, तो ये वॉल पे भी ये चाइनीज प्लेट्स है जहाँ ये हैंड पेंटेड है एंड इट्स वेरी वेल प्लेस्ड। दिस इज माय ड्रेसिंग टेबल कम वार्डरोब, एज यू कैन सी इट्स ऑल हियर एंड इट्स ऑल देयर, एंड माय ज्वेलरी, माय ड्रेसिंग टेबल, माय मेकअप, छोटी मोटी सी जगह यहाँ जहाँ फोटोग्राफ्स रखती हूँ, दैट्स इट। इट्स अ लवली कोजी स्पेस। And now we get into the kitchen. जल्दी जल्दी मैं आपको एक झलक दिखला देती हूँ। ये है मेरा किचन जो रेड ब्लैक और व्हाइट टाइल्स और कैबिनेट से बना हुआ है। That was a theme, red, black and white. ये है मेरी कुक नंदा जो आपने कई वीडियोस में देखा है इनको, तो ये मुझे हेल्प करती है, पूरे दिन घर का देखभाल करती है, खाना बनाती है, हमें हेल्प करती है, दैट्स इट। सो दिस इज वॉट माई हाउस, my home looks like. I'm very proud of the fact that we have such a beautiful home jo mere aur Percy ki personalities ko reflect karta hai. It's warm, it's vibrant, it's happy, it's cozy, and the most important thing is jo log rehte hain unki personalities ko reflect karta hai, and that is very important. Main hamesha se kehti hu ki ghar hotel jaisa nahi hona chahiye, ghar hamesha ghar jaisa hona chahiye, ghar ke logo se ghar banta hai, and I think yahi hai hamare ghar ki USP. So guys, I hope you've liked this entire journey. Sorry if I've missed out on something, but let's hope that you love this video and as usual subscribe to my channel on khub sara pyar dijiye guys, yaar subscribe kijiye, like kijiye, share kijiye, apne doston ko bataiye and dobara se jaldi jaldi wapas aaiye dusra vlog dekhte, see you.